नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राहकों के प्रोटेक्शन के लिए जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में, जो कानून है यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बारे में। जागो ग्राहक जागो, यह इस एक्ट का उद्देश्य है। यह एक्ट हमें क्या क्या बताता है, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजन्स हैं, क्या क्या राइट्स हैं, किस तरह से ग्राहक जो कंज्यूमर है वह कंप्लेंट फाइल कर सकता है, किन किन चीज़ों पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस एक्ट का जो नाम है वह है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये 1986 में जो है लागू हुआ था। यह एक सेंट्रल एक्ट है और इसके कुछ उद्देश्य हैं। हर एक एक्ट के जो है कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उसको अचीव करने के लिए वो बनाया जाता है। तो इस एक्ट के क्या उद्देश्य हैं वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। सबसे पहले तो है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर हैं इंडिया के, जो भी ग्राहक हैं, खरीदार हैं, उनके इंटरेस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यह जो एक्ट जो है बनाया गया। यह जो है इसका मेन जो है इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का उद्देश्य है। उसके बाद जो है दूसरा है कि कई तरह की जो है रिड्रेसल फोरम्स, काउंसिल्स इस्टेब्लिश करने के लिए यह एक्ट बनाया गया, क्योंकि जब एक हम राइट्स कंज्यूमर के हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कहाँ पे जाएगा कंज्यूमर, उसको अपने इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो उसके लिए जो है तरह तरह के जो है कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स, काउंसिल्स, उसको बनाना, और अल्टीमेटली जो है सेटलमेंट ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, कि जो भी खरीदार या कंज्यूमर है, ग्राहक है, उसके जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो जो है सेटल करने के लिए यह एक्ट बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कि क्या इसका महत्व है, क्या करता है ये एक्ट। तो सबसे पहले जो है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसको चेक करने के लिए कि जो भी सेलर है, जो भी दुकानदार है, वो कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे, क्योंकि देखिए वो ट्रेड कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो कई तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं जो सेलर है वो अपनाता है ग्राहक को लुभाने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए। तो कई तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि सामान की क्वालिटी खराब होना, उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट होना, उसकी जो ब्रांडिंग है उसमें कोई डिफेक्ट है या गलती है, उसकी कंपोजिशन में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, प्राइसिंग में, तो ये सब जो हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती हैं, और इसके ऊपर चेक लगाने के लिए ये जो एक्ट बनाया गया। उसके बाद है टू चेक डिफेक्ट इन गुड्स, कि जो गुड्स हैं उसमें किस तरह के डिफेक्ट्स हैं, कि क्या जो गुड्स वो बेच रहे हैं वो ठीक हैं, कहीं कोई हैजार्डस गुड्स तो नहीं बेच रहे हैं, गुड्स की क्वालिटी ठीक है, क्वांटिटी ठीक है, तो ये जो है इसको भी चेक करने के लिए जो है यह चीज़ें बनाई गई, टू चेक द डिफेक्ट इन गुड्स। इसी तरह कई लोग जो हैं गुड्स ना बेच करके सर्विसेज बेचते हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर के हो गए, और कई तरह की चीज़ें आजकल हैं कि होटलों में आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो वेटर्स वगैरह हैं, कहीं आप अपनी सर्विसिंग करवा रहे हैं गाड़ी की तो वहाँ पे जो पार्ट्स डलते हैं वो गुड्स में आएंगे, और जो सर्विस जो सर्विस कर रहे हैं उसका पार्ट जो है वो आपकी सर्विसेज में आएगा। कोई पढ़ाई करवा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट किसी ने खोला हुआ है, टीचिंग इम्पार्ट करते हैं, कोई कंप्यूटर कोर्स कराते हैं, तो जो इस तरह की सर्विसेज हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि वो कोई गुड्स नहीं बेच रहे हैं, वो सर्विसेज बेच रहे हैं, वो अपनी जो स्किल्स हैं उसको बेच के उससे पैसा कमा रहे हैं, और वो सर्विसेज को अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है, ग्राहक जो है, उसको मिल रही हैं। तो ऐसे में कि सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी है, तो ऐसे इसके ऊपर चेक लगाने के लिए भी ये कंज्यूमर एक्ट बनाया गया है, ताकि गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी जो हैं इसमें फॉल करें और उसके ऊपर चेक लगाया जाए
कि सर्विसेज जो हैं वो ठीक मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और अगर सर्विसेज में कोई ठीक नहीं मिल रही है सर्विसेज, तो उसके लिए कंज्यूमर जो है अपने राइट्स को कहाँ पे अवेल करे, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डाल दिया गया है। इसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर फोर्म्स एंड अपलेट कोड्स। तो इन सब चीज़ों को कैसे कौन हैंडल करेगा, कंज्यूमर फोर्म, तो कंज्यूमर फोर्म बनाए गए हैं अलग अलग, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट में स्टेट कंज्यूमर फोरम, और इंडिया जो है अगर स्टेट से बाहर कोई मैटर आता है, जैसे कि भी अगर अपील चली जाती है या कुछ उसकी एक क्रिटेरिया होता है कि उसकी पिक्यूनरी जो जुडिक्शन है वो एक लिमिट से ऊपर है, तो वो नेशनल कंज्यूमर फोरम जो कि इंडिया में एक ही है तो वहाँ पे जाता है। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर्म्स एंड अपलेट कोर्ट्स। इसके बाद है मेनली जो है एम्पावरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस एक्ट की मेन इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर को एम्पावर करना, कंज्यूमर को अवेयर करना कि उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। आज की डेट में हम देखते हैं लोगों को कि लोग गुड्स एंड सर्विसेज तो परचेज करते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई गुड्स में खराबी निकलती है, सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी निकलती है, तो वो अपने आप को बड़ा हेल्पलेस सा महसूस करते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास तो ऐसी चीज़ आ गई है। और अगर वो कहीं कांटेक्ट करते हैं जिससे भी उन्होंने खरीदा है, तो वो भी उसको कहीं कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते हैं कि हम इसको चेंज कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे या आपको कंपनसेट कर देंगे। तो ऐसे मैटर्स में जो है जहाँ पे कि गुड्स एंड सर्विसेज में डिफेक्ट है या डेफिशिएंसी है, और कंज्यूमर को लगता है कि नहीं, उसको जो है वो चीटेड फील करता है अपने आप को किसी भी तरह से गुड्स के प्रति या सर्विसेज के प्रति, तो वो जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेके कंप्लेंट फाइल करके अपना जो है राइट्स को वो इम्प्लीमेंट करवा सकता है, और जो है प्रॉपर कंपनसेशन या जो भी उसको लगता है वो कोर्ट से ले सकता है। तो ऐसे में जैसे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल एजेंसीज बनाई गई इस एक्ट के अंदर, तो मेनली जो है तीन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल एजेंसीज बनाई गई हैं। और इसमें जो है सबसे पहली जो है एजेंसी है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल फोरम। इसको हम डिस्ट्रिक्ट फोरम भी कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम भी कहते हैं। ये जो है सबसे पहला फोरम है जिसमें कि छोटे लेवल के जो केसेस हैं वह फाइल होते हैं, और इसकी ज्यूरिडिक्शन जो है जी किस लेवल तक के केस यहाँ पे फाइल होंगे वह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि भाई इसमें किस लेवल तक, किस अमाउंट तक के केसेस फाइल होंगे। तो इसमें जो है यदि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपनसेशन की जो अमाउंट है दैट इज नॉट एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज, यानी कि 20 लाख रुपीज से नीचे नीचे के जो भी केसेस हैं वह जो हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोर्म में फाइल होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि 20 लाख से नीचे नीचे के जो भी केसेस हैं जिसमें कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपनसेशन 20 लाख से कम है, तो वह डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में केस जाएगा। इसके बाद आता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल फॉर्म, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्टेट कमीशन भी कहते हैं, और इसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है वह है 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के लिए, यानी कि जहां पे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपनसेशन एक्सीड्स 20 लाख बट दे डू नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, तो ये ऐसे केसेस जो हैं स्टेट कमीशन में फाइल होंगे। और इसके अलावा जो है कोई भी अपील जो है, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम का कोई डिसीजन आता है, उसकी अपील जो है हमेशा ही जो है स्टेट कमीशन में जाएगी, तो वो जो है उसकी अपनी एक ज्यूरिडिक्शन है और उसकी एक अपेलेट ज्यूरिडिक्शन भी है। और तीसरा है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसको हम नेशनल फोरम या नेशनल कमीशन भी कहते हैं। तो इसमें जो ज्यूरिसडिक्शन है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की, किस लेवल तक के केसेस जो हैं यहाँ पे आएंगे, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है 1 करोड़ से ऊपर की जो एक्सीडिंग है वो वाले केसेस आएंगे, तो वहाँ पे जो है नेशनल कमीशन में केसेस डलेंगे। नेशनल कमीशन की एक अपनी अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है कि जहाँ पर भी जैसे कि स्टेट कमीशन ने कोई जजमेंट या डिसीजन दिया है, तो उसकी अपील जो है हमेशा ही जो है नेशनल फोरम में जाएगी। तो इस तरह जो है
ये तीन जो हैं हमारी रिट्रस्टेड एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, कि भी किस तरह ये क्या राइट्स हैं कंज्यूमर के, ग्राहक के क्या राइट्स हैं इसमें। तो सबसे पहला राइट जो है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यदि कोई भी गुड हजार्डियस टू लाइफ है, आपकी लाइफ को या आपकी प्रॉपर्टी को खतरे में डालता है, उससे बचने के लिए ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर जो है वो इन्फॉर्म्ड रहे, ये उसका राइट है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उसको मिल रही हैं कि गुड्स के प्रति या उसकी सर्विसेज के प्रति उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी, कि वो किस क्वालिटी के हैं, किस क्वांटिटी के हैं, उनकी प्योरिटी क्या है, पोटेंसिटी क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है, तो उनका स्टैंडर्ड क्या है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, यह भी एक राइट है कंज्यूमर का। यदि आप किसी भी दुकानदार से कोई चीज़ लेते हैं, तो ये दुकानदार की जिम्मेवारी बनती है कि वो आपको उस गुड्स या सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो, उसके बारे में हर एक चीज़ आपको बताए। और इसके बाद एक राइट और भी आता है, राइट टू बी एश्योर्ड वेयर एवर पॉसिबल एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइसेस, कि आपको जो गुड्स हैं वो वैरायटी ऑफ गुड्स हों और कम्पिटिटिव प्राइसेस पे हों, यह भी एक राइट है। हालांकि ये राइट जो है बहुत कम जो है इसके लिए कोर्ट आते हैं लोग, लेकिन यह भी एक आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक राइट है कि आपको वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइसेस मिले, कि ये नहीं कि हाँ भाई एक ही गुड है आपके पास, भाई आप तो और कोई बेच नहीं रहे हैं और उस पर फिर वो अपने हिसाब से वो प्राइसिंग उसको कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो गुड्स हैं उसी कैटेगरी के और भी गुड्स होने चाहिए और उस पर एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होनी चाहिए, जो कि आपका एक राइट है। इसके अलावा है कि राइट टू बी हर्ड एंड टू बी एश्योर्ड दैट कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फॉर्म, कि आपको आपकी सुनवाई हो, ये भी एक राइट है आपका। जहाँ भी आप कमीशन में जा रहे हैं, फोरम में जा रहे हैं, वहाँ सुनवाई करना ये आपका राइट है, ये आप वहाँ पे जाके अपनी बात बोलें, ये आपको राइट दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। यदि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है किसी भी तरह की, कोई भी जो बेचने वाला है सामान को या अपनी सर्विसेज को, यदि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, तो आप जो है रिड्रेसल सीक कर सकें, ये आपका राइट है, कोई भी आपको इससे नहीं रोक सकता। और लास्ट में राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि आपको एजुकेट करना, ये भी जो है आपका राइट है, जो कि आप जो है जो बेचने वाला है, जो सेलर है, उससे आप मांग सकते हैं, और अगर वो नहीं देता है तो आप जो है अप्रोप्रिएट फोरम में जाके अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे इस एक्ट के। अब हम बात करेंगे कि कंप्लेंट कहाँ इंस्टीट्यूट होगी, कि यदि किसी कंज्यूमर ने गुड्स या सर्विसेज ली हैं, परचेज की हैं, सेलर ने सेल की हैं और कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उसकी कंप्लेंट जो है कहाँ डलेगी, कौन से जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में डलेगी, तो इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन। तो सबसे पहला जो है कि जहाँ पर भी कॉज ऑफ एक्शन होगा, वहीं उसी जगह पर जो है कंप्लेंट डलेगी। समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल कि यदि मैं जो हूँ चंडीगढ़ में हूँ, मैंने जो है कोई चीज़ जो है मंगवाई है, कहीं बाहर से मंगवाई है, मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट या कहीं ऑनलाइन या वैसे भी कहीं से मंगाई है, मैं चंडीगढ़ में वो चीज़ मंगा रहा हूँ और मेरे पास वो डिफेक्टिव चीज़ आई, या फिर जो है मेरे उसमें कोई चीज़ डिफेक्ट आ गया है, तो कॉज ऑफ एक्शन जो है मेरा चंडीगढ़ में अराइज होता है, क्योंकि मेरे पास वो चंडीगढ़ में चीज़ आई है, मैं उसको चंडीगढ़ में खोल रहा हूँ और चंडीगढ़ में मुझे वो डिलीवर हुई है, तो ऐसे में कॉज ऑफ एक्शन जो है चंडीगढ़ में
अराइज होएगा और मुझे जो है चंडीगढ़ में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा कॉज ऑफ एक्शन होली हो चाहे पार्टली हो, वो जहाँ भी अराइज होगा वहाँ पे जो है कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। इसके अलावा दूसरा है कि जहाँ पर दूसरी पार्टी जो अपोजिट पार्टी है आपकी, उसका बिजनेस हो या उसका रेजिडेंस हो, वहाँ पर भी जो है कंप्लेंट जो है फाइल की जा सकती है। कि यदि कोई कंपनी है और उसका हेड ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे फॉल करता है जबकि कंपनी कहीं और है, तो वहाँ पर भी जो है आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म या स्टेट फॉर्म जहाँ पर भी आपका अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं मेनली जो आपने याद रखनी है, कॉज ऑफ एक्शन एक, और दूसरा है कि जहाँ पर भी अपोजिट पार्टी रिजाइड करती है या उसका अपना बिजनेस जहाँ से वो कैरी ऑन करते हैं वहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, कि दोनों ही चीज़ें फुलफ़िल हों। यदि एक भी चीज़ फुलफ़िल हो रही है, कॉज ऑफ एक्शन फुलफ़िल हो रहा है, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर नहीं तो जहाँ पर भी वो दूसरी ऑपोजिट पार्टी रह रही है या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ से वो कैरी ऑन करते हैं, ब्रांच ऑफिस है, हेड ऑफिस है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो वहाँ से भी जो है आप जो है केस जो है फाइल कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकते हैं, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक ग्राहक के लिए बनाया हुआ है, तो कंप्लेनेंट इसमें जैसे है कि भी कौन कंप्लेंट कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत जल्दी। तो इसमें जो है सबसे पहले तो एक कंज्यूमर भी हो सकता है, वो चाहे सिंगल कंज्यूमर भी हो सकता है जो कि कोई चीज़ खरीदता है वो हो सकता है। दूसरा है कि कई बार जो है एक एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन लोग बना लेते हैं, तो ऐसी एसोसिएशन भी जो है जो कि रजिस्टर्ड हो वह जो है कंप्लेनेंट बन सकती है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो भी कंप्लेनेंट हो सकते हैं। और जहाँ पे किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसके लीगल हेयर्स जो हैं, उसके वारिस जो है, वह भी जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो यह जो है कंप्लेनेंट कौन है, ये इसके बारे में बताता है हमारे को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर हो गया, वॉलंटरी कोई एसोसिएशन होगी कंज्यूमर्स की जो कि रजिस्टर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और यदि किसी की डेथ हो जाती है कंज्यूमर की तो उसके लीगल हेयर्स। अब आता है कि कंप्लेंट किस क्या उस कंप्लेंट में हमारे को क्या चीज जो है वो लिखनी पड़ेगी, कि यदि कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए गए हों सेलर द्वारा, तो ये जो है कंप्लेंट मानी जाती है। ये एक शिकायत है कि फलाना फलाना ने मेरे साथ जो है इस चीज़ में ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की या मुझे जो है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की, यह जो है कंप्लेंट होती है। एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट यदि एलिगेशन लगाता है इस टाइप का तो ये कंप्लेंट माना जाता है। इसके बाद है कि यदि गुड्स में जो है वन और मोर देन वन डिफेक्ट्स हों, यह भी कंप्लेंट है एक, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं एक आपको एक लीगली और फॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ कि कंप्लेंट क्या है। व्हाट इज कंप्लेंट? कंप्लेंट है कि आपके गुड्स ठीक नहीं है, आपकी सर्विसेज आपको ठीक नहीं मिली, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कि हम लिखते हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस करी। उसके बाद है यदि आपके गुड्स में वन और मोर देन वन डिफेक्ट हो, दैट इज ऑल्सो ए कंप्लेंट। सर्विसेज हैं, यदि सर्विसेज में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपकी सर्विसेज होने के बाद जो चीज़ आपको मिली है वो ठीक नहीं है, आप कहीं जाते हैं, आप सलून में जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं वो सर्विसेज उन्होंने करी है उससे मेरे तो कोई और प्रॉब्लम हो गई है, दैट इज ऑल्सो ए डेफिशिएंसी, तो ये भी एक कंप्लेंट है। तो कंप्लेंट जो है ये भी हो सकती है कि डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। और यदि मेनली है कि आपके ओवर चार्जिंग ऑफ प्राइसेस, यदि आप जो गुड्स परचेज कर रहे हैं, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, उसमें ओवर चार्जिंग ऑफ प्राइसेस है, दैट इज ऑल्सो ए कंप्लेंट।
तो कंप्लेंट क्या है कि यदि गुड्स में डिफेक्ट हो, सर्विसेज में डेफिशिएंसी हो, प्राइसिंग में जो है ओवर प्राइसिंग हो, और यदि जो है गुड्स जो हैं आपके हेल्थ के लिए हजार्डस हों या आपकी प्रॉपर्टी के लिए हजार्डस हों, सेफ्टी आपकी वो कहीं हैम्पर कर रहे हैं कि आप अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं उस गुड से, तो आपकी ये भी एक कंप्लेंट है। लेकिन अब मैं आपको एक थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा कि जैसे हमने बात करी थी कि कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकता है, कंज्यूमर कंप्लेनेंट हो सकता है, जैसे मैंने आपको तीन चार कैटेगरी बताई, इसमें जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि कोई भी इंसान जो है अवेल करता है कोई भी गुड्स सिर्फ अपने लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए, या सर्विसेज जो हैं अपनी कंजम्पशन के लिए, तब तक तो वो कंज्यूमर है। लेकिन यदि वो उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए परचेज कर रहा है और आगे उसको फिर फर्दर बेच रहा है कहीं पे, देन ही और शी इज़ नॉट ए कंज्यूमर। इट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप फाइनल कंज्यूमर हैं तो ही कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे। यदि आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हैं उस चीज़ के, आप उस चीज़ को सिर्फ इस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं कि आपने फिर फर्दर बेचनी है वो, देन यू आर नॉट ए कंज्यूमर। देन तो जो फाइनल बंदा उसको कंज्यूम करेगा, जो आपसे लेके जाएगा, दैट इज़ ए कंज्यूमर। तो ये आपने ध्यान रखनी है कि कमर्शियल पर्पज़ से दी हुई कोई भी चीज़ जो है कंज्यूमर एक्ट में फॉल नहीं करती है। प्लीज़ आप ध्यान रखें इस चीज़ का, कभी भी आप जो है गलत फहमी में ना रहें। ये ध्यान रखें कि यदि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप लेते हैं तो जो है वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप नहीं फॉल करते। आपके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कोई भी प्रोविजंस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, वह उस इंसान के ऊपर अप्लाई होंगे जो उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए अपने लेता है, चाहे वो गुड्स हों या सर्विसेज हों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है ये इसका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। अब जो है हमने जो है लिमिटेशन एक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि लिमिटेशन एक्ट नहीं सॉरी लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप कितने टाइम तक जो है अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं कि आपका, यानी कि समझ लीजिए कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज हो गया, तो आप किस कितने स्पैन तक जो है आप जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं, तो इसका भी जो है प्रोविजन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है। तो इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन शैल नॉट एडमिट ए कंप्लेंट अनलेस इट इज फाइल्ड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन। कि जब भी आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसके विद इन 2 ईयर्स तक जो है आपको ये अपनी कंप्लेंट जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्म है वहाँ पे आपको डालनी ही डालनी पड़ेगी। यदि आप 2 साल से ऊपर आपकी अवधि जो है 2 साल की ख़त्म हो जाती है और आप 2 साल के बाद जो है कंप्लेंट डालते हैं, तो ऐसे में जो है आपके कंप्लेंट एडमिट नहीं होगी। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिसमें कि वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं, क्योंकि एक सफिशिएंट टाइम दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कंप्लेंट फाइल करने के लिए कि जब भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है आप 2 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट डालिए, और नहीं तो जो फोरम है वो कंप्लेंट जो है डिसमिस कर देते हैं, एडमिट ही नहीं करते हैं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस होते हैं कि वो उसको एडमिट करें, लेकिन लिमिटेशन यही कहती है कि आप जो है 2 साल के अंदर अंदर जो है यह जो है फाइल करें। अगर आप बाद में फाइल करते हैं और आपके पास सफिशिएंट रीजंस हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं इन 2 सालों में क्यों नहीं फाइल कर सका, तो वो उसको कंसीडर करके सभी आपके फैक्ट्स और उसके प्रूफ देख करके वो उसको एडमिट करेंगे। लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं ऐसे में कि वो कंप्लेंट को एडमिट करें और आगे चलाएं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपका जब भी कॉल ऑफ एक्शन अराइज हो तो उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। ऐसा हर एक बाकी केसेस में भी होता है, सिविल केसेस में भी होता है ऐसा ही। तो इसमें भी जो है ये एक प्रोविजन बनाया गया है कि एक लिमिटेशन दी गई है कंज्यूमर को कि उसने किस स्पैन के अंदर अंदर जो है अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है। तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपका कोई कॉज ऑफ एक्शन राइज हो तो उसको विद इन 2 ईयर्स जो है आप अपनी कंप्लेंट जरूर डालें। और
अब हम बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है किस किस तरह की फाइंडिंग्स, किस किस तरह के जो है जस्टिस जो है कंज्यूमर को दे सकता है। तो सबसे पहला तो है कि फॉर द रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट बाय द अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। यदि कोई डिफेक्ट है और वो डिफेक्ट के लिए लेबोरेटरी का सहारा एक्सपर्ट का लिया गया है, तो उसमें वो जो भी डिफेक्ट बताएंगे उसको रिमूव करने के लिए जो है कंज्यूमर फोरम कह सकता है सेलर को। दूसरा है कि रिप्लेस द गुड्स। कंज्यूमर फोरम ये भी कह सकता है कि नहीं, आप इसको छोड़ दो, जैसे भी डिफेक्ट हैं आप तो रिप्लेस कर दो। तो ये सभी जो है उनकी अपनी डिस्क्रिशन है कंज्यूमर फोरम की, कि वो किस तरह का रिलीफ जो है उनको लगता है इसमें देना चाहिए। हालांकि जो कंप्लेनेंट है, जो कंज्यूमर है, वो अपनी कंप्लेंट में प्रेयर करेगा और वो प्रेयर जो है वो कंज्यूमर फोरम देखेगा कि उसकी प्रेयर एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइंडिंग जो है कंज्यूमर फोरम दे सकता है कि टू रिमूव द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट। ये सभी चीज़ें कंज्यूमर फोरम भी दे सकता है और कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट में भी लिख सकता है कि वो क्या चीज़ मांग सकता है, कि वो डिफेक्ट को रिमूव करवाना चाहता है, कि गुड्स को रिप्लेस करवाना चाहता है। तो ये सभी जो हैं दोनों पैरेलल ही हैं कि भी वो प्रेयर कर सकते हैं कंज्यूमर और कंप्लेनेंट, और जो फोरम है वो उस प्रेयर को किस तरह, कैसे उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना है या कैसे अपनी फाइंडिंग देनी है, ये दोनों ही के लिए है कि रिमूव द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट, रिप्लेस द गुड्स, उसके बाद रिटर्न टू द कंप्लेनेंट प्राइस, द चार्जेस पेड बाय द कंप्लेनेंट, कि भी जो भी प्राइस जो है कंज्यूमर ने दिया है उस प्रोडक्ट का या सर्विसेज का वो उसको वापस दिया जाए। एंड टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड बाई इट एज कंपनसेशन, और कंज्यूमर को जो है कंपनसेशन भी दिया जाए। वो कौन देगा? वो देगा सेलर या जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो। तो रिप्लेस करना गुड्स को, रिमूव करना डिफेक्ट को, रिटर्न ऑफ द प्राइस, जो गुड्स की प्राइस है वो रिटर्न करना, और कंपनसेशन, ये सभी जो हैं कंज्यूमर फोरम जो है वो एज ए फाइंडिंग अपनी दे सकता है। और इसके अलावा जो है कई बार जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती हैं, तो ऐसे में एग्जम्पलरी डैमेजेस भी जो हैं कंज्यूमर फोरम जो है सेलर या मैन्युफैक्चरर पे लगा सकता है, ताकि एक एग्जाम्पल क्रिएट हो बाकी जो फर्म्स हैं, बाकी जो सेलर्स हैं उनके लिए, और वो उस डिसीजन को देखकर जो है थोड़े से कॉशियस हो जाएं कि कहीं जो है अगर वो कोई ये ऐसी गलती करते हैं तो वो जो है एग्जम्पलरी डैमेजेस इसीलिए दिए जाते हैं कि दूसरे भी कॉशियस होकर जो हैं उस चीज़ को ना करें और कंज्यूमर्स का ध्यान रखें। और अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है तो उसको डायरेक्शंस हो सकती हैं कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें, वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें, तो इस तरह की डायरेक्शन भी हो सकती हैं। कोई हैजार्डस गुड हैं तो उनको जो है मार्केट से विड्रॉ करें, तो इस चीज़ की है। कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है गुड्स ऐसे जो सेफ नहीं है, तो ऐसे में उनकी मैन्युफैक्चरिंग रोकना, ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कर सकता है। और ये सभी चीज़ें जो हैं गुड्स के साथ साथ जो हैं सर्विसेज में भी अप्लाई होती हैं। तो मेन जो है इसमें कंपनसेशन और डैमेजेस का है, जो कि कंज्यूमर को जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है एज ए राइट जो है देता है। कंज्यूमर अपना केस डालेगा, अपनी जो चीज़ प्रूव करेगा, और उसके बाद कंज्यूमर फोरम को यदि लगता है तो इनमें से जो भी फाइंडिंग्स हैं वो दे सकते हैं कंज्यूमर फोरम। अब जो है हम लास्ट में बात करेंगे कि यदि कंज्यूमर फोरम ने जो है अपना डिसीजन दे दिया तो उसकी अपील जो है हम कहाँ करेंगे और कितने दिन में करेंगे। तो कहाँ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो डिसीजन है उसकी अपील हम जो है स्टेट कमीशन में करेंगे, और इसकी जो लिमिटेशन पीरियड है, अवधि जो है वो है 30 डेज। तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वह अपील जो है स्टेट कमीशन में फाइल करनी पड़ती है। और इसी तरह यदि कोई स्टेट कमीशन ने ऑर्डर दिया है या जजमेंट दिया है तो उसकी जो फर्दर अपील जो है वह नेशनल कमीशन में जाएगी, और उसका भी जो टाइम पीरियड है वह है 30 डेज। तो हर एक जो है अपील का टाइम 30 डेज है, डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन। तो ये जो है आज हमने जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में
तो ये जो है आज हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात की। देखिए आज का ज़माना जो है बहुत ही एडवांस हो गया है। हर कोई जो है जो बेचने के लिए बैठा है वो सोचता है कि मेरी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिके ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन एज ए कंज्यूमर, एज ए ग्राहक, आपको जो है अपने जो पैसे का वो आप सही जगह पे दे रहे हैं और आपको सही प्रोडक्ट या सर्विसेज मिल रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। कंज्यूमर को ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा और उसको पता होना चाहिए कि यदि मेरे ये राइट्स हैं और अगर ये राइट्स में से मेरे को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कहीं प्राइसिंग की, कोई भी ब्रांडिंग की, कोई क्वालिटी की, तो ऐसे में उसको क्या करना है। तो मैं आपको यही परामर्श दूंगा कि यदि कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट होता है तो आप सबसे पहले जो हैं दुकानदार से बात करें। दुकानदार से बात करने के बाद जो है आप रिटर्न कम्युनिकेशन करें, यदि ऐसी कोई है तो चीज़ रिटर्न कम्युनिकेशन करके, ताकि आपके पास भी प्रूफ रहे कि आपने रिटर्न कम्युनिकेशन करी है। और रिटर्न कम्युनिकेशन आप जो है जो भी प्रोडक्ट है उसके मैन्युफैक्चरर से भी करें। और यदि फिर भी वो जो है कोई एक्शन, कोई आपकी नहीं सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि कई बार जो होता है प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे केस डालने से पहले ही जो है मैटर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, बाद में उनकी मार्केट खराब होती है। तो ऐसे में जो है यदि आपका आपको प्रोडक्ट ठीक नहीं मिल रहा है, सर्विस ठीक नहीं मिल रही है, तो आप जो है उनको रिटर्न कंप्लेंट दीजिए अपनी, जिससे आपने खरीदा है उसको भी दीजिए, जो उसका एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर है उसको भी दीजिए। यदि उसके बाद भी जो है आपको लगता है कि नहीं, कोई भी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं वो लोग जिससे कि आपकी जो तकलीफ है, जो भी आपको प्रोडक्ट है उसको कहीं वो रिप्लेस या उसको रिमूव, डिफेक्ट को रिमूव कर रहे हैं, तो फिर आप जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सहारे जो है कंज्यूमर फोरम में अपनी कंप्लेंट डालिए और जो है वहाँ से अपना जो भी आपने रिलीफ लेना है वो लीजिए। तो और कोशिश कीजिए कि भी डॉक्यूमेंटेशन हो प्रॉपर, जो भी आप चीज़ खरीदते हैं उसके बिल्स हों, क्योंकि मेनली जो है वहाँ पे जो प्रूफ होते हैं वही काम आते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने वो चीज़ ली है। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि आप जहाँ से भी जो भी चीज़ परचेज करते हैं उसका बिल हो। नॉर्मली आजकल तो सभी चीज़ें कंप्यूटराइज बिल्स आते हैं, छोटे दुकानदार भी आजकल जो है कंप्यूटराइज बिल निकालने लग गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप जो है चुप ना बैठें। कोई प्रोडक्ट अगर सर्विसेज आपको ठीक नहीं मिल रही हैं तो चुप ना बैठें, अपने राइट्स को अवेल करें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ग्राहकों के लिए, कंज्यूमर के लिए ही बनाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो हमने टॉपिक कवर किया वो आपके लिए काफ़ी जो है सहायक होगा, फायदेमंद होगा। तो अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।